के भाई कह रहे हैं 15 लाख रुपए दो, ना दोगे तो मकान लिख के यहाँ से तुम लोग भागो। तुम लोग बीजेपी के आदमी, वो बोल रहा था कि जब मेरे भाई के नाम फरियाद लिखाओगे तो तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बेटे को पहले मारेंगे फिर तुम लोग को बाद में मारेंगे। इनसे हमारे बहुत जान को खतरा है, मैं ये खुलेआम बोलता हूँ, ये हमारे मैं कभी भी निकल सकता हूँ तो ये मेरी हत्या कराने की कोशिश करेंगे। तो चकिया इलाका आतंक से भले मुक्त हो गया हो, लेकिन अतीक के नाम पर रंगदारी वसूलने का कारोबार अभी भी जारी है, और उसके शिकार है ये राकेश जी। क्या कुछ घटना आपके साथ घटी राकेश भाई? हमारे यहाँ तक घटना तो नहीं, और वहाँ पे आए हमें उतार दे बैठा दे, हमने हाथ जोड़ा पैर नहीं पड़ा। जी तो हम गरीब आदमी है, थाने थमाने वाले हैं, ऐसा ना तो उतार नहीं, अगर ये फाइया लिताया तो तोहले लालते तो ना माल जाई तो वो नहीं, फिर हमारी वाइफ खड़ी क्या रही। क्या क्या मसला हुआ था आपके पिताजी के साथ, जरा पूरी बात एक बार फिर बता दें। मसला ये हुआ था कि ये अंदर घुस के आए तो इन्हें एक राम ने हमसे कहा कि क्या नाम ऐसा जो हमारे भाई कह रहे हैं उसको कर दो। क्या कह रहे थे उनके भाई? उसके भाई कह रहे हैं 15 लाख रुपए दो, ना दोगे तो मकान लिख के यहाँ से तुम लोग भागो, तुम लोग बीजेपी के आदमी हो। जी क्या बोले, बीजेपी के आदमी जी हो? जी जी इसलिए तो हमने कहा है, हम जाए बीजेपी के आर्मी जाए सब, इससे हमसे मतलब नहीं है। जो हमारा वो रहता है कि हमारा ये यहाँ पे जो अच्छे मुस्लिम है हमारा सबसे मेल भाव मिला हुआ है, ये हमारे साथ पहली बार ये घटना हुई है। इतने आज से 50 साल से हम लोग रहते हैं, ऐसी घटना कभी नहीं हुई क्या थी। वोट वोट देने को भी कहा था कि नहीं, सपा वपा को या किसी पार्टी को वोट दो? नहीं, इसने इतने बोला कि ये बीजेपी के आदमी है, यहाँ से इनको हटाया जाए, ये हिंदू। क्या क्या हुआ था माता जी जब वो आए थे तो, कैसे किसको इनके साथ कोई हाथापाई नहीं? इनको कॉलर पकड़ के नीचे बैठा ला, वो जाके सोफा में बैठ गया, बोलने लगा कि कितने लोग थे? 3 लोग थे, पर 2 लोग हमें पक्ष में बोल रहे थे, जो अकराम है वही बोला था, हम धमकी भी दिया था। अच्छा, और दो लोग नहीं बोले। क्या क्या बोल रहे थे, वो सारी चीजें बताइए इनको, बिठा दिया फिर? वो बोल रहा था कि जब मेरे भाई के नाम फरियाद लिखाओगे तो तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बेटे को पहले मारेंगे फिर तुम लोग को बाद में मारेंगे, इस तरह बोल रहा था। तो ये लोग कहे हाथ पैर जोड़ने लगे कि नहीं हम लोग गरीब आदमी है, इसे ना करो, काहे लड़ाई हम किसी से करते नहीं है, हमारे बेटे सब सीधे साधे हैं, कोई बोलता नहीं है। तो कहता है कि तुम 15 लाख रुपए दे दो, नहीं तो जाओ भागो यहाँ से, नहीं तो फरियाद लिखाओगे तुमको जान से सबको मार डाल, असली बाप की लड़की हो तो जाकर फरियाद लिखा देना। हाँ, कोई तमंचा वमंचा भी दिखाया? खोसे था। अच्छा। हाँ, लुंगी में खोसे था, तमंचा वो भी दिखाया बाहर निकल? दिखाया नहीं है, तो खोसे था, जब वो जा रहा था तब हमने देखा है। बाकी गाली गलौज पूरे परिवार के साथ? गाली पूरी परिवार को दिया है इसने, खुलेआम खुल के दिया है गाली। और छोटी सी जो वीडियो है, ये हमारे भाई छोटा वाला चोरी से बना लिया कि उसमें देख, सारे लोग परिवार के थे उस वक्त? जी 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 पूरे परिवार थे। अच्छा जी, फिर आपने FIR दर्ज करा दी? FIR दर्ज करा दी हमने, पुलिस चौकी गए, हम पुलिस चौकी हम गए थे, वहाँ से आए दरोगा जी ने, उन्हें कहा कि ऐसा है आप लोग जाइए अंदर खाइए पिए, हम लोग रो रहे थे कि ऐसी ऐसी घटना होने के बाद, तो उन्होंने आए कहे हमसे कि ऐसा मैं जा रहा हूँ उन लोग को समझाने, देखता हूँ ये लोग कहाँ हैं। तो उसके बाद से हमारा इरादा चेंज, मैं कहा मैं ना थाने जाऊँगा नहीं कहीं, मैं सीधा कमिश्नर पास में हाजिर हूँगा, वहाँ से मेरी कार्रवाई होगी। वहाँ हमने गए तो वहाँ मैंने एप्लीकेशन और उनके वीडियो दिखाया तो वो खुद ही चौंक गए कि ये बताए इतना बड़ा वारदात होने के बाद अभी भी ये चल रहा है। तो इसमें सर उन्होंने कार्रवाई हम करने के लिए आदेश करा है। लिखा है, और पुलिस ने कहा कि हम समझा देते हैं। जी जी उन्होंने कहा कि हम समझा दे रहे हैं कैसे ये करते हैं। तो अभी भी क्या घर से निकलने का कोई डर वर है क्या? अब ये बताइए, हम लोग 4 दिन से घर में कैद हैं, निकल नहीं पा रहे, उसके गुर्गे बता रहे हैं बहुत बड़ा सम्राट। क्यों 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 निकल नहीं पा रहे? अरे उसके गुर्गे घूम रहे हैं मारने के लिए। 10-20 आदमी आए जाए, हम लोग तो 2 ही आदमी हैं, क्या चल ले पाए। बाहर पड़ोस में रहता है वो एक राम ना? वह हाँ 60 फीट रोड में रहता है, उधर है बिहारी पट्टी है। तो आप निकलते हैं तो बाहर उसके लोग घूम रहे हैं? हाँ घूमते हैं। आप सिक्योरिटी भी चाहते हैं? जी हम सिक्योरिटी चाहते हैं, जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो हमारे घर में सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इनसे हमारे बहुत जान को खतरा है। मैं ये खुलेआम बोलता हूँ, ये हमारे मैं कभी भी निकल सकता हूँ तो ये मेरी हत्या कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आलम यह है कि अभी भी लोग जो है परेशान है, अतीक के खौफ इतना है कि उसके गुर्गे उसके नाम पर रंगदारी वसूलने की बात कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ से जो पुलिस का सहयोग भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते पुलिस कमिश्नर तक को हस्तक्षेप करके कार्रवाई करानी पड़ रही है।